अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अक्सर मीडिया की भूमिका पर सवाल उठता है और मीडिया में एक पक्ष की पत्रकारिता का आरोप लगता है। खासकर अखिलेश यादव को शिकायत रहती है कि पत्रकार सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करते हैं और सपा की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं। इस बात से खफा अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक पक्ष की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को जमकर फटकार लगाई। मौके पर सपा के महाराष्ट्र से विधायक और पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी भी मौजूद थे। पत्रकार के सवाल पर सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे आईना दिखाया। क्यों केवल हमसे ही सवाल पूछते हो, किसी और से नहीं पूछ पाते हो? नहीं, वो जो धुआं उड़ा करके हम लोगों को कभी कभी दूसरी दिशा में भेज देता है, कुछ है ऐसा नशा। अखिलेश यादव ने इस मौके पर तंज कसते हुए कहा कि चिलम का कुछ ऐसा नशा है जो हमारी दिशा भटकाने का काम किया जाता है और धुआं उड़ाने वाले लोग इस काम को बखूबी करते हैं। साथ ही जब एक पत्रकार ने अबू आजमी से महाराष्ट्र में जीत मिलने पर मिलने गए प्रतिनिधि मंडल को लेकर सवाल किया तो फिर अखिलेश यादव ने पत्रकार को आड़े हाथों ले लिया और क्या कहा सुनिए। ये तुम फिर वो लाए धुआं उड़ा रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, इनको चिलम दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ आपका एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा एक्सप्रेसवे है, कभी चले हो उस पर? नहीं, धन्यवाद। ये धुआं उड़ाने वालों से बच के रहिए। अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के अंश उस दिन का है जब बहुजन उत्थान पार्टी का सपा में विलय हुआ। इस मौके पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार एक बार फिर सपा को लेकर उल्टे सीधे सवाल दाग रहे थे और जब इन सवालों को अखिलेश यादव ने सुना तो उन्होंने मौके पर ही चुनिंदा पत्रकारों को फटकार लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।